वेलकम बैक टू ग्लोबल नॉलेज फैक्ट्री बिफोर वी स्टार्ट बी sure टू सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग videos. हेलो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप की कैशे और जंक फाइल क्लीन करके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बेहतर कैसे बना सकते हैं इसके लिए आपने विंडोज बटन प्लस आर प्रेस करना है तो आपके सामने ये पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी अगर आप विंडोज प्लस आर के थ्रू ये ओपन नहीं करना चाह रहे तो आपने अपनी सर्च बार के ऊपर लिखना है रन रन ऐप ओपन होगी रन के ऊपर आपने डबल क्लिक करना है तो फिर से आपकी ये पॉप अप विंडो ओपन हो जाएगी इस पॉप अप विंडो के अंदर आपने सर्च बार में लिखना है प्री फैच पी आर ई एफ ई C सी एच और प्रेस ओके कर दें जैसे आप प्रेस ओके करेंगे तो आपसे परमिशन मांगेगा आप कंटिन्यू पे क्लिक करें कंटिन्यू पे क्लिक करें अब आपकी जितनी भी जंक्स फाइल हैं जो आपकी कैश फाइल्स हैं वो ओपन हो जाएंगी आपने इसको सिलेक्ट ऑल करना है और डिलीट कर देना है जैसे डिलीट करेंगे ये कंप्लीट तौर पे डिलीट भी हो सकती हैं सम केसेस में कुछ फाइल जो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रोग्राम यूज़ कर रहा है वो रह जाएंगी तो उसको आपने स्किप पाल कर देना है उसमें आपने परेशान नहीं होना कि कंप्लीट जो है वो क्लीन अप नहीं हो रही है। आपने स्किप कर देना है अभी हम वेट कर लेते हैं काफ़ी ज्यादा जंक्स फाइल जमा है जो कि क्लीन हो रही हैं ये आपका स्टेप नंबर वन है टोटल आपने चार स्टेप्स परफॉर्म करने हैं तो आपका कंप्यूटर मुकम्मल तौर पे जंक्स फाइल से कैशेड क्लीन हो जाएगा और आप स्मूथली काम कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पे कि जिस तरह से आ गया है तो इसको आपने स्किप कर देना है यह आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा ये विंडो क्लोज कर लें आप दोबारा से विंडोज प्लस आर या रन में जाके आपकी पॉप अप विंडो ओपन कर लें इसके ऊपर आपने दोबारा से लिखना है टैम्प टी ई एम पी उसके बाद आपने प्रेस ओके करना है आपसे दोबारा से परमिशन मांगी जाएगी आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है अब आपका डिफरेंट लोकेशन पे जो कैशे डाटा जो जंक फाइल मौजूद हैं वो ओपन हो जाएंगी इन सबको आपने सेलेक्ट ऑल कर लेना है और डिलीट कर देना है इसमें भी जिस तरह से कुछ फाइल्स कोई ना कोई प्रोग्राम इस सब यूज कर रहा है तो वो डिलीट नहीं हो पा रही तो आपने सिंपली स्किप कर देना है स्किप करने के बाद आपका ऑप्शन नंबर टू कंप्लीट हो जाएगा दोबारा से आपने विंडो क्लोज की विंडोज प्लस आर या सर्च बार में दोबारा से आपने रन टाइप किया रन के ऊपर डबल क्लिक किया आपके सामने दोबारा से विंडो ओपन हो रही है विंडो ओपन हो गई आपने अभी इस पे लिखना है परसेंटेज परसेंटेज टेम्प टी ई एम पी एंड देन परसेंटेज ठीक है परसेंटेज का साइन आपने ओके OK पे क्लिक करना है आपके सामने थर्ड लोकेशन डिफरेंट लोकेशन से जंक्स फाइल पूरी ओपन हो गई आपने कंट्रोल ए करके सेलेक्ट कर लेना है सबको डायरेक्ट डिलीट का बटन प्रेस कर दें या राइट क्लिक करके आप डिलीट पे आ जाएं जैसे ही आप डिलीट करेंगे तो ये जंक्स डेटा जो है वो डिलीट होना शुरू हो जाएगा नाजरीन ये सब जंक फाइल्स डिलीट करने के बाद आपके पीसी या लैपटॉप की परफॉर्मेंस पे वाज़ फ़र्क पड़ता है आपको पता चलेगा कि उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर हो जाती है तो ये आपका थर्ड स्टेप है आपका जो जंक डाटा है वो डिलीट हो रहा है इसके बाद आपने फोर्थ फोर्थ ऑप्शन जो है वो भी ट्राई करना है अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है आपको सीखने का मौका मिल रहा है तो आप हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि मज़द इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए बनाते रहें थर्ड ऑप्शन हो गया अब फोर्थ ऑप्शन के लिए आपने दोबारा विंडोज़ प्लस आर की प्रेस करनी है आपके सामने पॉप अप विंडो ओपन हो गई है यहां पे आपने लिखना है क्लीन सी एल ई एन क्लीन एम जी आर प्रेस ओके करें आपके सामने पॉप विंडो ओपन हुई और इसके अंदर लिखा है कि सिलेक्ट द ड्राइव यू वांट टू क्लीन अप बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव ओपन ओके आई हुई है तो आपने सी ड्राइव को ही क्लीन करना है इस पर आपने क्लिक ओके okay किया सही है आपके सामने क्लीन अप कैलकुलेट होके आ गया है। सही है कि ये आपके पास जो है जंग डाटा मौजूद है आप इन सब को सिलेक्ट कर लें जो अनचेक में है इनको भी आप चेक कर लें सेलेक्ट ऑल करने के बाद आपने करना है परमानेंटली डिलीट करना चाह रहे हैं तो आपने यस करना है अब आपका जंक् डाटा जो मुख्तलिफ़ लोकेशनस पर मौजूद है वो भी क्लिन हो जाएगा ये स्टेप परफॉर्म होने के बाद आपका कम्प्यूटर मुकम्मल तौर पर जंग स्फाइल से कैशे डाटा से क्लिन हो चुका होगा और आपका कम्प्यूटर लैपटॉप वाज तौर पर अच्छा परफॉर्म करेगा उसकी परफॉर्मेंस में वाज बेहतरी आएगी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो